क्या आपको पता है रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो चुकी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म एनिमल की। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल अब रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बी टाउन के कई सेलेब्स के साथ रणबीर की पत्नी आलिया भट्ट भी उनको सपोर्ट करने पहुंची। इस स्क्रीनिंग से एक्ट्रेस के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। रणबीर कपूर और रश्मिका स्टारर फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज से पहले एक बार फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग 30 नवंबर को रखी गई थी। एक बार फिर फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग जुहू के PVR में रखी गई है, जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स नजर आए। वहीं हुमा कुरैशी भी ज़ाहिर इकबाल के साथ नजर आई। फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला भी पत्नी वृद्धा खान के साथ एनिमल देखने पहुंचे। एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा भी स्क्रीनिंग में पहुंची। अतिल अग्निहोत्री, अलवीरा डीन पांडे और एक्टर वत्सल सेठ भी दिखाई दिए। आपको बता दें, फिल्म की कहानी की तो फिल्म एक बाप बेटे की रिश्ते की इर्द गिर्द घूमती है। रणविजय सिंह यानी रणबीर कपूर के पिता बलवीर सिंह देश के जाने माने बिजनेस टाइकॉन हैं। बलवीर सिंह अपनी बिजी लाइफ की वजह से बेटे रणविजय को टाइम नहीं दे पाते। इस वजह से रणविजय के मन में हमेशा एक तीस रहती है। इनकी लाइफ में भूचाल तब आता है जब बलवीर सिंह पर गोलीबारी हो जाती है। रणविजय अपने बाप का बदला लेने के लिए जंग का ऐलान कर देता है। फिल्म की कहानी इसी पर आधारित है। एनिमल में रणबीर कपूर के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका और तृप्ति डिमरी समेत कई कलाकार नजर आएंगे। सभी का कहना है कि ये रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी।